चैप्टर 14 मैकेनिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर, एच सी वर्मा की बुक की क्वेश्चन नंबर्स 11 है, बैक एक्सरसाइज से। सो सिमिलर क्वेश्चन इज प्रेजेंट इन एनसीईआरटी बुक आल्सो, एंड इट इज एन इम्पोर्टेंट टाइप ऑफ क्वेश्चन। इनफैक्ट हम इसका आंसर डायरेक्टली याद रख सकते हैं। तो अगर आपने इस प्रॉब्लम को पढ़ लिया, इसकी ओरिजिनल लेंथ को पहले हम 12 मान लेंगे, और ये इसका मिड पॉइंट है। यहाँ पे हम लोड अप्लाई कर रहे हैं जिसकी वजह से टेंशन इस स्ट्रिंग में डेवलप होगी, ये स्ट्रिंग डिफॉर्म हो जाएगा। एज्यूमिंग के सिमेट्रिकली डिफॉर्म होता है, तो हम ऐसी कुछ डिफॉर्मेशन इसकी दिखा सकते हैं। ये स्ट्रिंग की फाइनल सिचुएशन है, और ये डिप्रेशन अंडरगोन है, इसको हम डेल्टा बोल सकते हैं। इट इज दी वर्टिकल डिप्रेशन एट दी मिड पॉइंट। तो सिमेट्रिकल सिचुएशन हमने अगर एज्यूम किया, तो यहाँ स्ट्रिंग में कुछ टेंशन डेवलप हो जाएगी, दोनों तरफ टेंशन को सेम ले लेंगे, और ये पॉइंट इक्विलिब्रियम में है, इसलिए टी के जो कंपोनेंट्स टी कॉस थीटा वर्टिकली अपवर्ड डायरेक्शन में आते हैं, तो टू टी कॉस थीटा इज इक्वल टू एम जी। तो इसमें अगर यहाँ पे हमने कैपिटल एम दिया है, तो यहाँ पे भी हम कैपिटल एम कर सकते हैं, या इसको भी आप स्मॉल एम कर दीजिए, जो कि ये लोड अप्लाइड है यहाँ पे 2.16 kg, दैट इज इक्वल टू स्मॉल एम, राइट। इसको आप स्मॉल एम ही कर सकते हैं। तो अब इसमें जो अप्रोक्सीमेशन काम करती है, वो मैं आपको बता रहा हूँ, और आप उसको याद कर लें। कॉस थीटा इस ट्राइंगल से अगर हम लेते हैं, तो वो डेल्टा अपॉन ये लेंथ आएगा। अब ये जो लेंथ है रेड, जिसको मैं मार्क कर रहा हूँ, ये पाइथागोरस थ्योरम से आएगी, एल स्क्वायर प्लस डेल्टा स्क्वायर अंडर द रूट। लेकिन क्योंकि डेल्टा की वैल्यू एल के कंपैरिजन में बहुत ही कम है, तो इसको मैं अप्रोक्सीमेटली एल ही मान लूंगा। तो जब मैं कॉस थीटा की वैल्यू लूंगा, तो डेल्टा अपॉन एल आ जाएगी इसमें। आप बोल सकते हैं कि इसमें हम यहाँ पे एल की जगह एल स्क्वायर प्लस डेल्टा स्क्वायर अंडर द रूट लेंगे, तो वो क्यों नहीं कर सकते? वो भी हम कर सकते हैं, पर आपकी कैलकुलेशंस और कॉम्प्लिकेटेड और मुश्किल बन जाएंगी। तो ये अप्रोक्सीमेशन इसमें इजीली आंसर देगी। तो हमारे पास टेंशन की एक्सप्रेशन ये आ जाएगी इसमें से, वेयर डेल्टा इज दी डिप्रेशन एट द मिड पॉइंट विच इज टू बी फाउंड। अब इसमें टेंशन कितनी डेवलप होगी, वो यंग्स मॉडुलस का जो एक्सप्रेशन है हमारे पास, स्ट्रेस अपॉन स्ट्रेन इज इक्वल टू यंग्स मॉडुलस। तो टेंशन की एक्सप्रेशन हम इस एक्सप्रेशन में सब्स्टिट्यूट करेंगे, तो हमें डेल्टा की वैल्यू डालनी होगी। स्ट्रेन पहले हम निकालते हैं, तो ओवरऑल लेंथ कितनी चेंज हुई है वायर की? पहले जो वायर 2L लेंथ की थी, अब उसकी लेंथ आएगी दिस प्लस दिस, मतलब ट्वाइस ऑफ एल स्क्वायर प्लस। अब इसमें मैंने पूरी एक्सप्रेशन कंसिडर कर ली है। अब इसमें अगर मैं 2 के फैक्टर को यहाँ से कैंसिल करता हूँ, और इस L को इस L से डिवाइड करता हूँ, यहाँ 1 बचेगा। इसमें मैं बाइनोमियल अप्रोक्सीमेशन लगाना चाहूंगा, तो मैं L को बाहर ले जाऊंगा, L स्क्वायर को रादर, तो L स्क्वायर का स्क्वायर रूट लगा के ये L ही बन जाएगा। ये यहाँ से कैंसिल हो गया, यहाँ डेल्टा स्क्वायर अपॉन L स्क्वायर में जो डेल्टा स्क्वायर अपॉन एल स्क्वायर की वैल्यू है, इट इज वेरी लेस एज कम्पेयर टू 1। तो मैं बाइनोमियल अप्रोक्सीमेशन यहाँ पे अप्लाई करूंगा, जो कि ये कहती है कि अगर ये इसको मैं 1 प्लस, इसको मैं एक्स बोलता हूँ, तो ये 1 प्लस x रेज टू द पावर n, n इसमें है 1/2, इट विल नियरली बिकम इक्वल टू 1 प्लस हाफ ऑफ x। तो इसमें x की ये वैल्यू अगर हम ले लें, तो ये आपके पास बाइनोमियल अप्रोक्सीमेशन आ जाएगा। तो यहाँ पे 1 है, ये -1 होकर ये कैंसिल हो जाएगा, और आपके पास ये स्ट्रेन आ जाएगा। तो स्ट्रेन की वैल्यू जब मैं इसमें सब्स्टिट्यूट करता हूँ, तो हमारे पास ये फॉर्मूला बनेगा। तो जो टेंशन मैंने यहाँ से निकाली है, वो भी मैं इसमें सब्स्टिट्यूट कर दूंगा वैल्यू, और स्ट्रेन की वैल्यू भी मैं इसमें जो अभी निकाली है, ये इसमें सब्स्टिट्यूट करता हूँ, तो मेरे पास ये रिजल्ट आता है। तो डेल्टा इज फाउंड टू बी इक्वल टू दिस। तो इसमें जब मैं सारी वैल्यू सब्स्टिट्यूट करूंगा, ठीक है, आप चाहें तो इस रिजल्ट को डायरेक्टली याद रख सकते हो, मे बी एल क्यूब का क्यूब रूट लेने से। यहाँ पे एल को हम बाहर लिखकर एम जी अपॉन ए कैपिटल वाई होल टू द पावर 1/3, इस रिजल्ट को आप डायरेक्टली याद रखें। इसमें सारी वैल्यू सब्स्टिट्यूट करने से एग्जैक्टली हमें करेक्ट आंसर मिल जाएगा। तो ये इस तरीके से आप इसको याद कर लो।